बॉस मानना ही पड़ेगा, मोशा सोचते भी दूर किए हैं और ओफ एक तीर से दस यूं लक्ष्य साधने में भी बेहद से दस। उम्मीदवारों की दूसरी फहरिस्त देखी ना, हाय रे सबको चौंका दिया, यहाँ तक कि जिसको टिकट दिया गया उसको भी। हाँ हाँ, अरे मुखिया जी को भी, मतलब सभी बल्लमों के हाथों में सांटा पकड़ा कर मैदान में छू कर दिया गया। गुरु जीते तो कुछ भी मिल सकता है, कुछ भी मतलब समझ रहे ना। हाँ हाँ, और हारे तो लंका लगना तय है गुरु। वहाँ वर्तमान सितारों को भी सीधा सीधा इशारा, चलो अब कुछ और भी किया जाए। चुनाव की जिम्मेदारियां जिनको सौंपी गई उनको भी साफ साफ कह दिया गया, भाई तुम खिलाओ मिलाओ मत, खिलाड़ी हो जाओ, गेम खिला और जिता तो हम ही लेंगे। मीडिया के हुलफुले ना सब एक बार फिर औंधे हो चले, भले ही दावा कर लें कि अंदर तक की जुगाड़, लेकिन असलियत है रे अफ बाबा जी का ठुल्लू। हाँ, उन भाजपा कार्यकर्ताओं के चेहरे जरूर खिल उठे जो सर्वे परिणामों और वर्तमान हालातों के चलते थमे पड़े थे। आशा जाग गई है, शायद अब सत्ता की डोर बंद ही रहे। वहाँ कांग्रेसी बाबुओं के होश भी फाकता हो चले जा, अति विश्वास में डूबे थे, लेकिन मोशा के दहले के आगे एंटी इनकम्बेंसी का नैला हाफ सा गया, मतलब चुनाव और दिलचस्प हो गया ऐसा। और उससे ज्यादा यदि भाजपा सत्ता में बनी रही तो अगला मुखिया बाबू कौन होगा।